बाद में पत्रकारों के खिलाफ हो रहे अन्याय के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन प्रशासन के लोगों को पत्रकारिता के लिए तमाम शासन आदेश जारी किए हैं, लेकिन उसका असर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। पत्रकारों के साथ उत्पीड़न का सिलसिला जारी है। तुंडला टोल प्लाजा और कटफोरी पर पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई। न्यूज कवरेज के दौरान लोकतंत्र पत्रकारों पर गुंजाई के बल पर टोल वसूलने के मामले में जनपद फिरोजाबाद के पत्रकारों ने और पत्रकार समाज कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम फिरोजाबाद जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद जिला अधिकारी फिरोजाबाद ने ज्ञापन लेकर जल समस्या को हल करने की बात कही है। पत्रकारों को फिरोजाबाद में बने ये कटफोरी टोल और टुंडला टोल को लेकर खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है और आए दिन ये टोल कर्मी पत्रकारों से दबंगई और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी संबंध में आज जिलाधिकारी से मुलाकात कर हमने अपनी पत्रकारों की समस्या को रखा है। पत्रकार समाज कल्याण समिति पत्रकारों के लिए हमेशा साथ खड़ी हुई है और जो भी आवाज़ बुलंद करने का काम कर रही है और जो भी परेशानी का सामना पत्रकारों को करना पड़ता है, इसके लिए वार्ता करके उन्होंने जल्द ही जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया हमको कि जल्द ही इस समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अभी मंडल अध्यक्ष मुकेश जी ने बताया है कि यहाँ पर जो टुंडला टोल और कटफोरी टोल है, यहाँ पर जब पत्रकार लोग अपनी जो भी प्रेस की मीटिंग्स करने जाते हैं पत्रकारों के साथ, वहाँ के लोग जो हैं वो हमेशा अभद्रता करते हैं। तो इसी बात को लेकर आज हम जनपद फिरोजाबाद डीएम से मिले, जिन्होंने इस बात का हम लोगों को आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द हम लोगों की समस्याओं का निराकरण कर हम लोगों को अवगत कराएंगे। ये मुरादाबाद पुलिस की तरफ से मुरादाबाद को सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण रूप से तैयारियां की जा रही हैं। इसमें जगह जगह हर थाना क्षेत्र में पीस कमेटी की मीटिंग करी जा रही है, अगले 3 दिवस तक ये लगातार चलती रहेगी ताकि लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो और मौके पे अच्छा कार्य हो। साथ ही जोनल सेक्टर स्कीम जो पिछले अयोध्या वर्डिक्ट के समय लागू थी वही रहेगी, भ्रमणशील रहेगी पूरे समय पुलिस, और कोई भी सिचुएशन होने पे तुरंत उसको तत्काल निवारण किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया का भी मॉनिटरिंग चलता रहेगा। सोशल मीडिया की एक डेडिकेटेड टीम है जो कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट आने पे तुरंत कार्रवाई करती है। साथ ही एक्स्ट्रा बल भी पर्याप्त प्राप्त कर लिया गया है। एक कंपनी PAC पूरे टाइम मुरादाबाद शहर में भ्रमणशील रहेगी और तत्काल सिचुएशंस को अटेंड करने के लिए प्रेजेंट रहेगी। और हमारे UP 112 की भी जितने भी वाहन हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, उनके रूट का भी चेंज किया गया है ताकि संवेदनशील स्थानों पर हमारी ज़्यादा प्रेजेंस रहे और तत्काल इवेंट्स को अटेंड किया जाए। इसके अलावा मुख्य बाजार और स्थानों को भी रेगुलरली CCTV के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। कोई भी स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत पुलिस पहुंचकर मौके पे अटेंड करेगी। और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं 6 दिसंबर से रिलेटेड शौर्य दिवस या अथवा जो काला दिवस उसको मनाते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग कर ली गई है। शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहेगी और पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी जनता को। साइन करते हुए लोगे पढ़ भी लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।